नमस्कार सुप्रभात अर्गस सुपरफास्ट को स्वागत करछी मुसपना आरंभ करबा आजर खबर अभियान आज थारु राज्य रे आरंभ हेउछि हर घर दस्तक टीकाकरण कार्यक्रम घर को घर जिबे स्वास्थ्य कर्मी परिवार रे केउ सदस्य टीका नै नाहंती जदि नै छंती उभय डोज ना केवल गोटी डोज नै रह जाय छंती ए सब तथ्य संग्रह करा जिबा परे निकटस्थ टीकाकरण केन्द्र रे टीकादान रो व्यवस्था करा जिबो परिवार कल्याण निर्देशक डाक्टर विजय पाणिग्राही एने सूचना दे छंती कालीठ जो कार्यक्रम आरंभ हो 2 नवंबर ठारू हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान से हिसाब से ये कार्यक्रम आम हाथ को नि जाए कि आमर फ्रंटलाइन वर्कर्स हूँ आशा हूँ अंगनवाड़ी वर्कर हूँ ANMs हूँ अन्य मानकर सहयोग रे PRI मेम्बर्स SHG ग्रुप्स NGOs समस्त सा प्रति घर को घर जाए से चिन्हट करेंगे जे सेकेंड डोज ड्यू हो सारे से टीका नहीं ना कौन फास्ट डोज भी नहीं ना तेणु से लिस्ट करेंगे से निकटस्थ जो टीका केन्द्र आम रही सेठी से फैसिलिटेट करेंगे जमी से टीकाकरण कार्यक्रम हम एवं मस सारा ये हाउस टू हाउस कार्यक्रम आम जारी रही है जो थी कि आमर लक्ष्य रस्त सेकेंड डोज ड्यू जो मैंने निश्चित भाव आम 100% टीकाकरण यही मस नवेम्बर मसरे तो बर्तमान जो टीकाकरण चली से आम अलरेडी 3,72,00,000 डोज आम दे सारे जो थी को आम 2,57,00,000 हूँ फास्ट डोज अर्थात आम जी हिताधिकारी अच्छा तार 79% 79% एवं महाराष्ट्र पूर्वतन गृहमंत्री तथा एनसीपी नेता अनिल देशमुख को गिरफ्त करी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट विभाग बट्टी आदाय मामलें अनिल को गिरफ्त करी ईडी मनी लंडरिंग ने अनिल विरोध में पर्याप्त प्रमाण रही कहु 12 घंटा धरी पचराउचरा करने गिरफ्त कर आज मेडिकल टेस्ट पर अनिल को कोर्टे हाजर कर ग्लासगोरे आयोजित COP26 को संबोधित करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को पंचामृत मंत्र प्रधानमंत्री सम्मेलन को संबोधित करी आज विकासशील देश जलवायु परिवर्तन जोगु संघर्ष करुछंती प्रधानमंत्री निज संबोधन में पंचामृत मंत्र भारत आगामी आणाई उस भूमि का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिस भूमि ने हजारों वर्ष पहले ये मंत्र दिया था सम गच्छ द्वम समद्व द्वम सम्वो मानसी जानता आज 21वीं सदी में ये मंत्र और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है प्रासंगिक हो गया है समगच्छ द्वम यानी सभी साथ मिलकर चले संबद्धम यानी सभी मिलजुल कर आपस में संवाद करें और सम्मो मनानसि जानता यानी सभी के मन भी आपस में मिले रहें। फ्रेंड्स जब मैं पहली बार क्लाइमेट समिट में पेरिस आया था तब मेरा यह इरादा नहीं था कि दुनिया में हो रहे अनेक वायदों में एक वायदा अपना भी जोड़ दूं। मैं पूरी मानवता के लिए एक चिंता के साथ आया था। मैं उस संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में आया था जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी सुखी रहे का संदेश दिया है और इसलिए मेरे लिए पेरिस में हुआ आयोजन एक समिट नहीं सेंटीमेंट था, एक कमिटमेंट था। मुख्यमंत्री संबलपुर कुचिंडा गस्त पूर्व बीजेपी कर्मी को गिरफ्त कला संबलपुर पुलिस राज्य साधारण संपादक रवि नायक सह जिला बीजेपी युवमोर्चा सभापति और अनेक बीजेपी कर्मी को पुलिस प्रिवेंटिक अरेस्ट कर शिक्षयित्री ममिता मेहर हत्या घटना न्याय दाबी रे बीजेपी मुख्यमंत्री गस्त समय विरोध प्रदर्शन कर सरकार ममिता को न्याय देवा भय भयभीत हो बीजेपी नेता पुलिस गिरफ्त करजेपी 2018 मसीहार 160 कोटी टंका कुआडे गला चाषीर पैसा खाइल तार जवाब किए देव काली आसुछ जवाब दियो
ଝୁଲେନ୍ ପୋଲ ଯେଉଁଟାକି କୁଚିନ୍ନା ବାମଣ୍ଡାର ଐତିହ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ସେ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅବସ୍ଥା କେବେ ସୁଧୁରିବ ଏ ତାର ବି ଜବାବ ଦେବ। ମମିତା ମେହେର ଭୁଲିଆ କେତେ ଯୁବତୀ ତମ ସରକାରରେ ଥିବା ତମ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧି ବାଘ କହୁଥିବା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସେ ପ୍ରତାପ ଛେନା, ସେ ଅରୁଣ ସାହୁ, କେତେ ଦିନ ତମେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବ? କୁଚିନ୍ନାର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ତାର ଜବାବ ମାଗୁଛି। ଏ ଉଦ୍ଦେଶ ତମେ ଯେଉଁ ମିଛ କହିଛ ବିଗତ ଦିନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କୁଚିନ୍ନାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ତମେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସିଛ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ, ଯଦି ଭୋଟ ପାଇବାର ଆଶା ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲ କାମ କରିକିରି ଆସିଥାନ୍ତ, ଆମେ ଫୁଲମାଳା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ବାଣ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେବଳ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାକର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବାଣ ବିକ୍ରି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସେହିପରି ପିଇଏସ୍ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ବାଣ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ରାତି 8-10 ମଧ୍ୟରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ବାହାରେ ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜାରି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍କୁ ଏହାର ଅନୁପାଳନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରାଗୋଡ଼ା 49 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ବମ୍ବେ ଛକ ବଜାର ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବହଡ଼ାଗୋଡ଼ା ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ହୋଇଛନ୍ତି ଖଡ଼ି ପାହାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଝମ୍ପା ହେମ୍ରମ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସିର୍ସା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶୀ ମଦ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପୋଚ ନଷ୍ଟ କଲା ପର୍ଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ। ଶୁକ୍ରବାର ଅଚାନକ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଥାନା ଆମ୍ବ ପକାଶ ଓ ଜାମୁନାଳି ଦୋହାମୁଣା 3 ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପୋଚ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅର୍ଜୁନପୁର ଓ ପ୍ରଧାନ ପଞ୍ଚାୟତ ସୀମା ଶୈଳ ବାଲିପାଟଣାରେ କୋଚିଲା ନଦୀବନ୍ଧ ଧସିଲା। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ନଦୀବନ୍ଧ କାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନଦୀବନ୍ଧ ଧସିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ହେବ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗେଣ୍ଟି ନଦୀ, ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ନଦୀବନ୍ଧରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଧସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ନଦୀ କୂଳିଆ ବାସିନ୍ଦା ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ୍ରିଲୋଚନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 2022 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା 18 ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ପାରୁଲ ପଟୱାରୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣମାନେ କିଭଳି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଭୋଟର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ କରି ନିଜର ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସହ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।
केन्द्र इलेक्शन कमिशन निर्देश क्रमे नयागढ़ जिला प्रशासन पक्ष 2022 नुआ वोटर तालिका प्रस्तुति और संशोधन कार्यक्रम नयागढ़ जिलापा सद्भावना गृह अनुषित हो 1 तारिख आरंभ होता एक वोटर तालिका संशोधन कार्यक्रम चलित मास 30 तारीख जाए चालू रही आज सांबादिक सम्मेलन मध्यम नयागढ़ जिलापा डॉक्टर पुमा टुडु सूचना देखते जगतसिंहपुर जिला रघुनाथपुर जिले में अनेक अंचल ग्राम को रास्ता नहीं अनेक रास्तार मुठाए पा पड़न अभोग रघुनाथपुर अंतर्गत तवा पंचायतर पांच गोटी ग्राम से पक्का रास्ता नके असुविधे सम्मुखीन होती बर्षा दिने आंबुलांस सेवा मध्य बाधाप्राप्त हो शुक्रवार पंचायतर लोकने अनशन बसते बलांगीर भीम भोई मेडिकल रे अव्यवस्था बदली गला सालाइन और इंजेक्शन किडनी रोगीर इंजेक्शन और सालाइन को पेट व्यथा होता रोगी को देदेई जहाँ हॉस्पिटल परिसर रे असंतोष प्रकाश पाई इंद्रावती बाम केनाल बीजमरा अंचल को नियमित पानी देवाई जिलापा द्वारस्थ हेले चाषी कलाहांडी जिला जयपाटना ब्लॉक अंतर्गत बीजमरा समेत अनेक अंचल पानी अभाव जगू चाष कार्य ठिक भावे होपना जहां फल चाषी मैंने नहीं असुविधार सम्मुखीन होती अंपटे इंद्रावती बाम केनाल बीजमरा डिस्ट्रब्यूटरी शेष मुंड जाए पा पहुंच पारना एने चाषी मैंने आज कलाहांडी जिलापा एक दावीपत्र प्रदान कर आगामी दिन में दावी पूरण नहले चाषी मैंने राजरास्ता को ओल्लैबे चेतावनी महालिंग कॉलेज शिक्षयित्री ममिता मेहर परिवार को न्याय दाबी करी पारादीप नगर बीजेपी महिला मोर्चा तरफ पारादीप आदर्श थाना एतला दी एथसत ममिता मेहर आत्मार सद्गति कामना करी एक कैंडल शोभा पारादीप मार्केट परिक्रमा कर शिक्षयित्री ममिता मेहर को जोभली भाव सुपरिकल्पित योजनाबद्ध भाव में हत्या करा को पारादीप नगर बीजेपी महिला मोर्चा तरफ घोर निंदा करा विगत किछि वर्ष हला सुवर्णपुर जिला बिनिका अंचल रे हाथी उपद्रव बहु मात्रा रे प्रभावित विशेषकर बलांगीर झरापड़ा गुलापड़ा सेल्डी गणेशपुर अंचल रे व्यापक भंगारुजा सह क्षयति होता धान अमल पाखक आसता बेले उलुंडा महानदी कूलपटे हाथी उपस्थिति नदीकूल बासिंदा को चिंतार पक राउरकेला आईन महाविद्यालय दुईदिनिया जातीय आलोचना चक्र अनुषित महाविद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्रनाथ बेहरा अध्यक्षतार आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न अतिथि जोगदे अतिथिगण आलोच्य विषय परिवेश सुरक्षा रे विचार विभाग रो भूमिका संपर्क रे आलोचना करा जायतिला लोकों विरोध में हाथी फेराई नेला वन विभाग किछि दिन धरी बैरी रेंज जाजपुर जंगल रु बाहरी हाथी पल सालेपुर निश्चित कोइली और परे केन्द्रापड़ा विभिन्न अंचल उत्पात करुथबा देखिबाकु मिलिछि तेबे वन विभाग एही हाथी को टांकुलाइज करबा परे कटक जिला टांगी अंचल तालीपोड़ा जंगल अभिमुखे ने खबर पाई कन्हैपुर पंचायत बारपदा ठारे ग्रामवासी माने गाड़ी को अटकाई विरोध करते वन विभाग हाथी को फेराई नहीं देखा पार्वण ऋतु देशर रेकर्ड जीएसटी संग्रह केन्द्र सरकार अक्टोबर मसरे जीएसटी संग्रहर संख्या जारी कर सरकारों द्वारा दी जा तथ्य अनुसार अक्टोबर मसरे 1,30,000 कोटी जीएसटी संग्रह हो सरकारी परिसंख्यान अनुसार केन्द्रीय जीएसटी 23,861 कोटी राज्य जीएसटी 30,421 कोटी इंटीग्रेटेड जीएसटी 67,361 कोटी एवं शेष बाबद को 8,484 कोटी संग्रह हो देश में जीएसटी सिस्टम लागू होगा पर द्वितीय सर्वाधिक टैक्स कलेक्शन एप्रिल 2021 देशर सर्वाधिक जीएसटी 1,41,000 कोटी संग्रह होता सेपटे गत वर्ष तुलन में चलित वर्ष अक्टोबर में 24% अधिक टैक्स संग्रह होश में कोरोनार नुआ मामलें ह्रास घटा सह बजार खोलार परिमाण जीएसटी संग्रह स्पष्ट देखा मिली कोरोना प्रभावित अर्थनीति भितर जीएसटी संग्रह एक संख्या देशर अर्थनीति एक प्रकार ट्राक को फेरी संकेत
पटाना गांधी मैदान ब्लास्ट मामलें 4 आतंकी को फांसी दंडादेश 2 जनों को आजीवन जेल सुनाई। पटना गांधी मैदान विस्फोरण घटनारे 9 अभियुक्तों को दंडादेश सुनाई। एनआईए कोर्ट 4 जन दोषी को फांसी दंड 2 जनों को आजीवन जेल 2 जनों को 10 वर्ष एवं 7 जनों को वर्षर जेल दंड सुनाई। 2013 अक्टोबर 27 तारीख में बिहार गांधी मैदान एवं पटना जनसन में सीरियल ब्लास्ट होता। एक घटन 6 जनों मृत्यु होता बेले 90 जन आहत होते। 8 वर्ष तले मामला राय आसना योग्य जे 6 जन मुख्य अभियुक्त को देशद्रोह अपराधिक षड्यंत्र हत्या और हत्या उद्यम यूपीएस धारा रे दोषी सब्यस्त करते कोर्ट। यासह अन्य 3 जन दोषी सब्यस्त होते। 2013 मोदी हुंकार राली समय विस्फोरण षड्यंत्र रांची एवं रायपुर रे करा जायतिला। एहार रिहर्सल मध्य होइतिला। बौद्ध गयार जुलाई 7, 2013 विस्फोरण पर पटनार गांधी मैदान रे विस्फोरण योजना करथिले इंडियन मुहाहिदीन रो जिहादी माने। वर्तमान बुलेटिन रे खास आउ एक ब्रेक नबा। ब्रेक परे बुलेटिन को स्वागत। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को अनुमोदित टीका सूची में सामिल कला ऑस्ट्रेलिया। भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया यात्री वैक्सीनेशन स्टेटस पर मंजूरी प्रदान करी। एणिकी कोवैक्सीन नहीं जापारे ऑस्ट्रेलिया यात्री भारतीय बायोटेक टीका को अनुमति देती ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सरकार पक्षर एने निष्पत्ति सूचना देखते भारत में अवस्थापित ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर बेरी और फारेल। भारत बायोटेक कोवैक्सीन और चीन सिनोफार्म द्वारा निर्मित टीका नहीं व्यक्ति एणिकी ऑस्ट्रेलिया यात्रा करिपारिबे बोली ऑस्ट्रेलिया सरकार घोषणा करिछंती। कोवैक्सीन 12 वर्ष किंबा ताठारु अधिक वयस्क यात्री एवं चीन सिनोफार्म 18-60 वर्ष टीका नहीं सारिथिबा व्यक्ति अनुमति मिली। पूर्व टीजीए केवल ऑस्ट्रेलिया व्यवहार पर अनुमोदित टीका और भारत को कोविशील्ड और चाइनारु सिनोवैक द्वारा प्रस्तुत टीका को यात्री पर अनुमति प्रदान थिला। ओडिया वेलफेयर एसोसिएशन पंचम वार्षिकी उत्सव अनुषित होइछि। एहि उत्सव में मुख्य अतिथि भाव डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र, सम्मानित अतिथि डॉक्टर संजीव कुमार पाटजोशी, अन्य अतिथि भाव श्रीमती आरडी सिंह, श्रीयुक्त गजेन्द्र यादव प्रमुख जोगदे समस्त सभ्य उत्साहित करछन्ति। दिल्ली स्थित केतक स्वेच्छासेवी ओडिया युवक युवती प्रचेष्टार समाज सेवा लक्ष्य नहीं गठन करा ओडब्ल्यूए। सेपटे भारतीय वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अनुमति प्रदान करिछंती विश्वर आउ 5 देश। इंडोनेशिया, जर्जिस्तान, स्टेट ऑफ पालेस्टाइन, मॉरीशस एवं मंगोलिया भारत वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अनुमति प्रदान करछंती। एणिकी कोवैक्सीन कोविशील्ड टीका नेबार प्रमाणपत्र देखाई एही 5 देश को जाईपारिबे भारतीय। टीका प्रमाणपत्र देखाइले भारतीयों को मिलिबो प्रवेश पाई अनुमति। एने वैदेशिक व्यापार मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची सूचना देछंती। देशरे दैनंदिन व्यवहृत होइथिबा साधारण कथागुडिको एणिकी 22 आंचलिक भाषा स्कूल छात्र छात्री माने सीखी पारिबे। एथिपाई सोमवार शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अंतर्गत भाषा संगम कार्यक्रम शुभारंभ करा। केन्द्र शिक्षा दक्षता विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अवसर में केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भाषा संग्राम मोबाइल आप एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत मोबाइल क्विज गेम आप्र शुभारंभ कर। विभिन्न आयु वर्ग के पास पहुंचे यही हमारी उद्देश्य होनी चाहिए। ये सारे करते हुए हमारी जो सरकार की आज आईटी मिनिस्ट्री है जिसके अंदर माई गॉव नामक एक बहुत व्यवस्थित और सुंदर, जब हम सुंदर कहते हैं जब यूजर फ्रेंडली होता है तब जाके उसको हम सुंदर कहते हैं, आज एक यूजर फ्रेंडली पोर्टल माई गॉव के नाम पर हमारे सामने है। उनका भी इस इनिशिएटिव में पार्टनरशिप रहा।
इसलिए मित्रों, ये देश के बारे में आत्मीयता बढ़ाना, देश को पहचानना, देश की श्रेष्ठताओं को लेके गर्व महसूस करना, उसी के लिए आज की ये कार्यक्रम समर्पित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस अमृत काल में, आजादी की 75 साल जब हम मना रहे हैं, ये अमृत काल है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी प्रवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण कालखंड ये होता है। उसी कालखंड में जब देश बहुधा विविधा चुनौतियों के सामने गुजर रहा है, उस समय में सरकार की इस इनिशिएटिव, इस उद्यम निश्चित रूप में हमें सभी को, हम सभी को। सोमवार विभागीय मंत्रालय पक्षरु राष्ट्रीय एकता दिवस अवसर में आयोजित एक स्वतंत्र लोकार्पण समारोह में जोगदे केन्द्र मंत्री कहिसेंति जे शुभारंभ होइतिबा भाषा संगम भाषार एकता माध्यम रे विविध भाषा को प्रोत्साहन प्रदान करिवो। भाषा संग्राम मोबाइल आप रे देश रे प्रतिदिन व्यवहृत 100 साधारण वाक्य गुड़िक 22 आंचलिक भाषा रे उपलब्ध करा जायछि। देशरे सारर अभाव नहीं, यूरिया डीएपी एवं एनपीके सारर अभाव रहिछि बोली जहां कुआ जाउछि ताहा केवल गुजब बोली कहिसेंति केन्द्र रसायन और सार मंत्री मनसुख मांडविय। राज्यगुड़िक जेतिकी सार दरकार कहुछन्ति ताठारु ढेर अधिक सार केन्द्र तरफ राज्यगुड़िक जोगाइ दिया जायछि। एने विभागीय मंत्री मंत्रालयर अधिकारीक सह कथा होइछन्ति एवं नवंबर मासरे किपरि आवश्यकता ठारु अधिक सार राज्यगुड़िक जोगाइ दिया जाय परिबो सेतिपाई निर्देश देइछन्ति। विस्तार से मैंने खाद को लेकर रिव्यू किया है। नवंबर महीने में यूरिया की सभी राज्यों की ओर से डिमांड आई थी 41 लाख मैट्रिक टन, उसके सामने 76 लाख मैट्रिक टन यूरिया सप्लाई करने का प्लान नवंबर का हमने बनाया है। वैसा ही डीएपी खाद के लिए 17 लाख मैट्रिक टन की डिमांड थी, उसके सामने 18 लाख मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध कराने। देशर कृषक जेपरि सार पाई कोनोसी समस्या रे सम्मुखीन न हेबे सेतिपाई दृष्टि देछि मंत्रालय। सेतिपाई नवंबर मासरे अधिक सार जोगाइबाकु कुहा जायछि। नवंबर मासरे 41 लाख मेट्रिक टन यूरिया आवश्यक थिबा बेले 76 लाख मेट्रिक टन यूरिया जोगाइ देबाकु निर्देश देछन्ति विभागीय मंत्री। भुवनेश्वर डुमडुमा अंचल रे उद्घाटित होईछि आईटीसी ग्रुप रो नुआ होटल वेलकम। स्वतंत्र उत्सव रे यहाकु उद्घाटन करिछन्ति मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। एही होटल रे रहिछि 107टी रूम ओ अत्याधुनिक सूट। सेहिबळी 4टी प्रतिष्ठित ग्रुप रो खाद्य आउटलेट रहितबा बेले 4टी कन्फेशन हॉल एवं स्पेशल सूट रहिछि। सबुठारु बड़ कथा हला एहार डिजाइन भुवनेश्वर मंदिर मालिनी चित्र को गुरुत्व दिया जायछि। जाजपुर रोड थाना दला छक निकटरे थिबा साहू पेट्रोल पंप निकटरु 7 फुट लंब एक अजगर साप उद्धार होइछि। सोमवार संध्यारे एक विराटकाय अजगर साप साहू पेट्रोल पंप निकटकु सहरर मुख्य रास्ता देइ जाउथला। रास्तारे एते बड़ साप देखिथिबा बेले लोके भयभीत होइ जाइथिले। एथिसह तुरंत सापटिकु धरिबाकु स्नेक हेल्पलाइन सदस्य मणिभद्र मल्लिकु फोन करि डाकिथिले। तेबे फोन पाइ मणिभद्र तुरंत घटनास्थलरे पहुँचिथिले एवं दीर्घ समय चेष्टा परे सापटिकु धरिबारे सफल होइथिले। वर्तमान बुलेटिन रे समय सरिछि, विदाय दियंतु, नमस्कार।